नमस्ते बालाजी हिंदी टारो में मैं फिर से आ गई हूँ। आप लोगों की स्वागत करने हैं। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, जो होगी 13 सितंबर से लेके 20 सितंबर तक की होगी ये रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो और जानना चाहते हो आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकती है और यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, आपको ये पता होगा कौन सी एनर्जी आपके साथ मैच कर रहा है तो उसके साथ ही आपको जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं। एरीज यानी मेष राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, एरीज यानी मेष राशि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एस ऑफ कप्स, ये इनका इमोशन जो है करंटली ओवरफ्लो हो रहा है आपकी तरफ, उनका प्यार बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। इमोशनली ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनको लग रहा है आपके साथ उनका जो रिश्ता है ये सोलमेट वाला रिश्ता है। अभी अगर हम एरीज, अगर हम एस ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देख लेंगे कि एस ऑफ कप्स क्यों आया है। एरीज एस ऑफ कप्स को अगर हम क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि एस ऑफ कप्स क्यों आया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इनको इंतज़ार है, स्ट्रेंथ अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। इसमें इस रिश्ते में अट्रैक्शन ऑब्सेशन तो बहुत ज़्यादा है। ये इंसान फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी प्रति और इनका ऑब्सेशन भी है। ये धीरे धीरे खुद के अंदर हिम्मत जुटा रहा है, पेशेंस रखने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये पेशेंस रख नहीं पा रहा है क्योंकि इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है। और फिर भी ये इंसान इंतज़ार कर रहा है क्योंकि हो सकता है इनके पास थोड़ी फिनेंशियल स्टेबिलिटी कम है या फिर ये किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार ये इंसान कर रहा है। तो ये फिजिकली मेंटली बहुत ज़्यादा आपके प्रति ऑब्सेस तो है ही है और अट्रैक्शन जो है ये जो एडिक्शन आप कह सकते हो आपके प्रति, ये बहुत ज़्यादा एडिक्शन उनका है और ये बढ़ रहा है। अभी बड़ा हुआ भी है, ये खुद को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा है लेकिन कंट्रोल करके भी ये पेशेंस दिखा रहा है, कंट्रोल कर रहा है और ये इंतज़ार भी कर रहा है कब आपके साथ मिले, आपके साथ बात करे, अपना इमोशन को वो आपके साथ बांटे। करंटली अभी देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है। एरीज यानी मेष राशि आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है, एरीज यानी मेष राशि आपके खुद के करंट फीलिंग्स क्या है। चैरियट, आपको तो सब कुछ पता है, सही गलत अच्छा बुरा आगे पीछे। कभी आपको लगता है नहीं ये रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए, कभी आपको लगता है, ये हर किसी के लिए नहीं बहुत कम लोगों के लिए लगता है कि रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ये लगता है कि रिश्ते को दोबारा से एक मौका दिया जा सकता है भगवान के भरोसे। आप भी रिश्ते को मौका देना चाहते हो, आपको सब कुछ पता है, आप ही के अंदर सही गलत सोच जो है ये सारा काम आप अपने सोच के जरिए कर लेते हो, आपको सब कुछ पता है। करंटली आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ जा रहे हो और आपको पता है रिश्ते को और एक मौका देना भी चाहिए ये आप सोच रहे हो। अभी देख लेते हैं द चैरियट का कार्ड क्यों आया है। यस, हाई प्रिस्टेस होगा ही, आप इंट्यूटिव जो हो आपको पता चल जाता है सामने वाला क्या चाहता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
फोर ऑफ सोर्ट्स। पहले आप रोते धोते थे, आप परेशान रहते थे, लेकिन धीरे धीरे आपने खुद को गॉड के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया है। अभी आपको पता चल गया है कि आपको अपनी पोजीशन, अपनी स्टेबिलिटी पहले पानी होगी, फिर मेहनत से इज्जत, शोहरत सब कुछ पाना है, और अभी आपने सब कुछ पा भी लिया है, तब जाके आपको लगता है कि इस रिश्ते को दोबारा मौका दिया जा सकता है। क्योंकि सामने वाला इंसान, जो भी, जिनके साथ भी आप रिश्ते में हो, ये क्या बोलना चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या सोचता है, ये सब कुछ आपको पहले से ही पता चल जाता है। आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ना कोई समझा सकता है, ना कोई उल्टी सीधी कुछ बोल सकता है, क्योंकि आप खुद बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो, आपके पास ज़िंदगी के तजुर्बे हैं। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या हैं। द लवर्स के कार्ड, ये चाहते हैं रिश्ते को लेके एक डिसीजन लिया जाए, जो डिसीजन आप बहुत दिनों से पेंडिंग करके रखा है आप लोगों ने। हो सकता है आप लोगों की रिश्ते में प्यार सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप लोग डिसीजन नहीं ले रहे हो, तो ये चाहते हैं इस रिश्ते की बिहाव में एक डिसीजन लिया जाए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। प्यार है इतना, इतना अट्रैक्शन है, इतना इमोशन है, लेकिन फिर भी रिश्ते में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। अभी देख लेते हैं लवर्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। एरीज, मेष राशि, देख लेते हैं लवर्स के कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। लवर्स के कार्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, फोर ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स। ये रिश्ता अगर आप लोग पहले से शादीशुदा हो तो कोई बात नहीं, इस शादी को वो और मजबूत बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप पहले से शादीशुदा नहीं हो, मुझे तो अब तक नहीं लग रहा है कि ये रिश्ता शादीशुदा लोगों का किसी का एनर्जी आ रहा है, पता नहीं, नहीं, ये जो लोग शादी नहीं किया है उनकी एनर्जी मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो शादी हुआ है उसके लिए भी कोई गलत नहीं है, एक ही एनर्जी आता है। ये इंसान स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में आगे आना चाहते हैं, ये पैसों को सेविंग्स करना भी चाहते हैं, ये कन्फ्यूज है। ये इंसान सोच रहा है कि पहले पैसा कमा लूँ फिर रिश्ते में जाऊँ, या फिर पहले शादी कर लूँ फिर स्टेबिलिटी की तरफ जाऊँ, तो ये कन्फ्यूज है कि आपको क्या पसंद है। पैसा सबको पसंद है, स्टेबिलिटी सबको पसंद है, लेकिन फिर भी ये इंसान अपनी तरफ से थोड़ा कन्फ्यूज हुए जा रहा है। ये चाहते हैं कि कोई डिसीजन ले लिया जाए, पैसा ज़्यादा महत्व है या फिर प्यार, शादी, रिश्ता, तो ये चाहते हैं ये चीज़ों को लेके एक डिसीजन ले लिया जाए विथ एस्टेब्लिशमेंट, विथ स्टेबिलिटी, शादी के बारे में सोचा जाए। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो शादी को किस तरह से चलाया जाता है विथ स्टेबिलिटी के साथ, पैसे, सेविंग्स, ये सारा चीज़ बैठ के एक डिसीजन लिया जाए रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा ये चाहते हैं करंटली। अभी देख लेते हैं एरीज, आप खुद क्या चाहते हो। एरीज यानी मेष राशि, आप खुद क्या चाहते हो। एरीज, आप खुद क्या चाहते हो। फाइव ऑफ सोर्ड्स, आप तो चाहते तो हो दोबारा रिश्ते को मौका दिया जाए, आपने खुद से चीज़ों को समझा भी है, लेकिन एक बात ये है कि आपका ईगो आपको रोक रहा है। हो सकता है पहले आपने बहुत कुछ सहा होगा, बहुत परेशानी देखी होगी, इग्नोरेंस सहा होगा, तो इसीलिए आप जाकर भी आगे नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि आपका ईगो आपको रोक रहा है। देख लेते हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। एरीज, मेष राशि, फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। अगर हम फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे कि फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं देख लेते हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स।
जैसा कि मुझे पहले ही लगा कि पहले हो सकता है आपने बहुत इस रिश्ते में बहुत खुद के अपने तरफ से बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट डाले थे, फिर भी इस रिश्ते से आपको वो इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट कुछ नहीं मिला था। आपने बहुत दिनों तक इंतज़ार किया होगा कि इनके तरफ से कोई आपके तरफ कोई न्यूज़ आए, कोई पहल किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तब धीरे धीरे आपने खुद को स्टेबल बनाने की कोशिश की, आपने खुद को एस्टेब्लिश किया, आपने मेहनत किया, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए मेहनत किया, आपने रिश्ते को सही करने के लिए भी मेहनत किया। अभी आप स्टेबल हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। अभी आपने जो इंतज़ार किया था उससे आप दुखी हो, परेशान हो, क्योंकि उस वक्त आपको किसी ने, मतलब उन्होंने नहीं आया, उन्होंने आके नहीं बताया, तो आप इंतज़ार करते करते थक गए। अभी आप खुद से और आगे जाके अपने तरफ से कुछ करना नहीं चाहते हो। हालांकि आप रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप खुद जाके रिश्ते के बारे में उनसे बात करोगे, उनसे कहोगे, उनसे पूछोगे कि दोबारा से किस तरह से रिश्ते को सही किया जाए। अभी आप इन दिनों जो बक ने बताया, इनमें आपका मूड, आपका एनर्जी इस तरह का रहेगा कि आप खुद से कुछ नहीं करना चाहोगे। अगर ये आते हैं, आपसे बोलते हैं, तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड, वेलकम है आपकी तरफ से, लेकिन आप खुद से नहीं जा सकते। एरीज यानी मेष राशि, अभी देख लेते हैं 13 से लेके 20 तारीख तक की आप लोगों की जो रिश्ता है, रिलेशन है, इन दिनों इस रिश्ते की आउटकम क्या आता है। एरीज यानी मेष राशि, 20 तारीख तक की आप लोगों की रिश्ते की आउटकम क्या आ सकता है। 20 तारीख तक की आप लोगों की रिश्ते की आउटकम, एरीज यानी मेष राशि, मेष राशि की रिश्ते की आउटकम 20 तारीख तक की। नाइट ऑफ हॉर्न्स, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी कितना है मुझे पता नहीं, लेकिन आकर्षण बहुत ज़्यादा है। हो सकता है रिश्ता और एक लेवल आगे चला जाए। फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि ये रिश्ता फिजिकली एक दूसरे के साथ आने का, इसीलिए मुझे लगा कि किसी कोई लोग जो है, देखो प्यार तो प्यार ही होता है, कोई शादीशुदा लोग अगर किसी और रिश्ते में बन जाए तो इस तरह का कुछ एनर्जी मुझे आ रहा था, इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि इतना फिजिकल अट्रैक्शन है इस रिश्ते में, क्या कहें, तो इस रिश्ते को एक अलग लेवल में, मतलब और एक स्टेप आगे, फिजिकली आप लोग एक दूसरे के साथ एक होना चाहते हो सकता है आप हो भी जाओ। सेवन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम क्लैरिफाई करें, क्योंकि रिश्ते में कोई एक है जो आता जाता है, इस रिश्ते में इन एंड आउट का एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है, स्टेबिलिटी नहीं है रिश्ते में उनका। सेवन ऑफ कप्स कंफ्यूजन है, हो सकता है और भी ऑप्शन है किसी एक के पास। यस, सेवन ऑफ कॉइंस का कार्ड, कोई इंतज़ार किए जा रहा है कर रहा था, और कोई एक को इग्नोर कर सकता है किसी और ऑप्शन के लिए। तो इसमें इन दिनों जो हो सकता है, जो कार्ड बता रहा है मुझे कि कोई तो इंतज़ार कर रहा है, बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा है, पेशेंसली इंतज़ार करेगा, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन भी रहेगी, जो है उनको वो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे के साथ आप आ सकते हो, फिजिकली आप दोनों मिल सकते हो। स्टेबिलिटी इस रिश्ते में इन दिनों नहीं आएगी, कितना भी आप कोशिश कर लो, क्योंकि ये जो रिश्ता है, ये इन एंड आउट का रिश्ता है, कोई एक है जो आता जाता रहता है, जब मर्जी आए चले आए, जब मर्जी आए चले गए, और कुछ स्पेसिफिक कारण से ये रिश्ते में आते हैं। तो इन दिनों हो सकता है किसी को इंतज़ार रहेगा, लेकिन वो कंफ्यूज भी रहेंगे, क्या वो आएंगे क्या नहीं आएंगे, और
कोई एक आने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन जरूरत के लिए। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में। टेन ऑफ वॉन्ड्स, देखो डेविल का कार्ड दो बार आया है, थर्ड पर्सन का तो चांसेस है, कोई थर्ड पार्टी का। फिजिकल अट्रैक्शन, यही एडिक्शन है, इस रिश्ते का बेस है फिजिकल नीड, मुझे लगता है। यस, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ की प्रति बहुत ज़्यादा एडिक्शन है, अगर आपको पैसों की कमी से, पैसों के कारण रिश्ते में आना जाना पड़ रहा है, तो अपने बोझ को कम कीजिए, मेंटल परेशानी को कम कीजिए। किसी भी चीज़ की प्रति अगर एडिक्शन है, एडिक्शन को कंट्रोल कीजिए, एडिक्शन अच्छी चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ की प्रति अगर आपको शराब की एडिक्शन है, जुए की, सेक्स की, तो आपको उस एडिक्शन को अपने सर से उतारना पड़ेगा, अपने माइंड से उतारना पड़ेगा, अपने बोझ को कम करनी पड़ेगी और अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना है पहले। फिजिकल अट्रैक्शन तो ये कुछ देर के लिए काम करता है, लेकिन अगर आप खुद को फिनेंशियली स्टेबल बना सकते हो, खुद को हर तरीके से काबिल बना सकते हो, तो कोई भी बुरी चीज़, कोई भी आदत छोड़ना ये कोई परेशानी की बात नहीं है। किसी भी चीज़ की प्रति एडिक्शन होना ये कोई सही बात नहीं है। और आप लोग कोई बच्चे नहीं हो, मतलब एकदम टीनेज, कोई टीनेजर कोई नहीं है, जो भी है समझदार लोग हैं। सो अपने अच्छाई के बारे में आपको सोचना चाहिए, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। जो चीज़ आपको परेशान करता है उसको खुद से अलग कीजिए, इतना बोझ अपने सर पे मत लीजिए कि आप परेशान हो जाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।